राष्ट्रीय जनता दल के नेता माननीय तेजस्वी यादव बोलते हैं लालूवाद एक विचारधारा है, तो लालूवाद जो ही आप विचारधारा बोलिएगा तो आपको तो बताया जाएगा भाई लालूवाद के दौर में क्या हुआ था, तो सच बताना पड़ेगा। चूंकि आप पॉलिटिक्स का एजेंडा बना रहे हैं लालूवाद, आपको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद से मतलब नहीं है। नौकरशाही.com के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभी बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार के साथ हूँ और नीरज कुमार जनता दल यूनाइटेड के न सिर्फ मंत्री हैं बल्कि उसके थिंक टैंक में आते हैं। अब कुछ ही महीनों के बाद बिहार में चुनाव होने हैं और इसलिए बिहार की सियासत काफ़ी गर्म होती जा रही है। ऐसे में नीरज कुमार उन नेताओं में से हैं जिन्होंने सियासत को गर्म करने का एक तरह से बीड़ा उठा लिया है। पिछले दिनों इन्होंने तेजस्वी यादव पे कई गंभीर आरोप लगाए जिसमें यहाँ तक बताया गया कि तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव ने अपने भाई के बच्चों से कुछ ज़मीनें लिखा ली। तो हम इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल हम नीरज जी से ये पूछना चाहते हैं कि बिहार अब इलेक्शन मोड में आ गया है और इनकी पार्टी की तैयारियाँ क्या है। कि COVID-19 के दौर में जब सोशल डिस्टेंस उसका बेसिक नीड है, चुनाव आयोग के क्षेत्राधिकार में है कि चुनाव कब होगा, लेकिन तय सीमा के तहत चुनाव अगर प्रस्तावित है तो हम तो चुनाव के लिए हमेशा तैयार हैं। चूँकि हमारी जो पूंजी है वह है विकास और सद्भाव, तो उस पैमाने पर कोई शानी नहीं है विरोधी के सामने, कोई मुकाबला ही नहीं है। उस पैमाना है कि अपने अपने पैतृक गाँव का, सामाजिक सद्भाव का, सांप्रदायिक सद्भाव का, ये मिसाल माननीय नीतीश कुमार जी ने पेश किया है। इसलिए अभी राजनीति में ईर्ष्या द्वेष की बुनियाद पर कोई अलग बात कहे तो ये अलग विषय है, लेकिन गवर्नेंस के मामले में कोई चुनौती हमारी समस्या नहीं। इसलिए जनता विकास के मानक पर फर्स्ट टेन्योर, सेकेंड टेन्योर, थर्ड टेन्योर, फोर्थ टेन्योर में भी मेजोरिटी हमारे साथ रहेगी। तो अभी आपने कहा कि गवर्नेंस का मामला है, लेकिन अभी जो NCERB का जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से तो अपराध काफ़ी बढ़े हैं बिहार। देखिए इसका पैमाना है, आप NCERB का 2019 का आंकड़ा अगर निकालेंगे और 2005 का आंकड़ा निकालें आप, तो मैं चुनौती देता हूँ इस सवाल पर कि आप पॉपुलेशन का देखिए, पुलिस रेशियो का देखिए, पुलिस और पीपुल रेशियो का, और क्राइम का नेचर देख लीजिए। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, किडनैपिंग फॉर रैनसम, फिरौती के लिए अपहरण, 2005 के पहले का आंकड़ा देख लीजिए, रिकवरी नहीं होता था। और आज अगर कोई हिम्मत गलती से किया है तो कठोरतम कार्रवाई होती है, और आंकड़ा को छिपाते नहीं हम लोग। कानून का राज का मतलब सीधा होता है कि राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं रूल ऑफ लॉ में, जाति धर्म वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, कोई पॉलिटिकल कंपल्सन नहीं, तो इस स्टैंडर्ड पर कोई तुलना है। अच्छा, तो अभी आपने कहा कि राजनीतिक संरक्षण नहीं, लेकिन गोपालगंज में एक ट्रिपल मर्डर हुआ, तेजस्वी ने बजाबते एक गोपालगंज मार्च का आयोजन किया जिसे सरकार ने या प्रशासन ने रोक दिया, इस मामले पर आप क्या कहा? अब ये गोपालगंज की घटना है, दुखद घटना है। जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, उनका तो पैतृक घर है वहाँ, 15 वर्ष राज की पुलिस गई थी दरवाजे पर, कभी दरवाजे पर पुलिस नहीं गई थी। और 120B का मुकदमा है विधायक पर, और 120B का आरोप है JP यादव पर भी, तो क्या दोनों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए? भाई पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार है। आपको अगर लगता है कि आपको लगता है कि राजनीतिक रूप से कोई मदद कर रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, एविडेंस दे सकते हैं कि भाई पुलिस कार्रवाई नहीं करी। लेकिन राजनीति का एजेंडा आप अपराध को क्या तय कर रहे थे? हमारे यहाँ घोषवरी चले गए, किस मामले में हुआ था? कौन ऐसा मामला जिसका उद्भेदन नहीं हुआ? फुलवारी शरीफ की घटना की चर्चा की हमने, उसमें उनको जानकारी दिया, फेसबुक लाइव में आप देखिएगा मेरा, कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, देसी कट्टा के साथ अपराधी गिरफ्तार हो गया। ऐसा नहीं है कोई बचाने वाला, किसी की औकात इस बिहार में नहीं है आज के डेट में कि कोई भी अपराध करने वाला व्यक्ति कितना बड़ा रसूखदार व्यक्ति क्यों नहीं हो, अगर पुलिस उसमें काम कर रही है तो उसमें कोई हस्तक्षेप करेगा। और इसका सिंपल एनालिसिस है सादुल्ला साहब, पहले क्या होता था आज क्या है? पहले होता था कि फला है इनको छोड़ दीजिए, और आज
कोई जनप्रतिनिधि भी अगर पैरवी करता है तो यह कहता है कि हमको यह जानकारी है, इन तथ्यों के आधार पर आप देख लीजिए। अपराध पर राजनीति का एजेंडा तय कर रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा ना, आपको बताना पड़ेगा कि आपके दल के अंदर में आज विधायक अरुण यादव क्यों नहीं कार्रवाई की आपने, क्यों राजवल्लभ यादव के परिवार को टिकट दे दिया आपने, क्यों शहाबुद्दीन के परिवार को टिकट दे दिया, कौन सा चेहरा लेकर आप जाना चाहते हैं। और ये उदाहरण है बिहार में नीतीश कुमार जी ने एस्टेब्लिश किया है। तो फिर परिवार का वह सदस्य जिसे टिकट दिया जाता है क्या वो भी अपराधी है या इसलिए टिकट नहीं? तब तो राजनीति पर आप कोई मुकाबला, अब मैं अगर आज गलत करूंगा तो जनता दल यू का मैं MLC भी रहा हूं ना, मैं मंत्री हूं ना, मेरी आइडेंटिटी उससे जुड़ी हुई है ना, अगर हमने कोई पाप किया है तो उसका हिस्सेदार ऐसा नहीं है, तब तो राजनीति में फिर कोई मुकाबला ही नहीं कर पाएगा। अच्छा, तो अब थोड़ा सा हम ये बात करते हैं कि जब भी जनता दल यूनाइटेड के 15 सालों के शासन की बात आती है और उसमें कोई सवाल राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से उठाया जाता है तो आप सीधे तुलना उस वक्त 2005 से करते हैं, क्या आप अन्य राज्यों में जो स्थिति है मौजूदा वहाँ से क्यों नहीं तुलना करते हैं, विकास का मामला हो, अपराध का हो या गवर्नेंस? कारण क्या है ना कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता माननीय तेजस्वी यादव बोलते हैं लालूवाद एक विचारधारा है, तो लालूवाद जो ही आप विचारधारा बोलिएगा तो आपको तो बताया जाएगा भाई लालूवाद के दौर में क्या हुआ था, तो सच बताना पड़ेगा। चूंकि आप पॉलिटिक्स का एजेंडा बना रहे हैं लालूवाद, आपको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद से मतलब नहीं है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब नहीं है, आपको लोकनायक जयप्रकाश नारायण की राजनीतिक विरासत से लेना देना नहीं, आपने कहा लालूवाद एक विचारधारा, इसलिए सवाल प्रासंगिक है, आपको ही बताना पड़ेगा तब। चूंकि आप लालूवाद बोलते हैं तो जवाब तो लालूवाद की तुलना करेगा। अच्छा, तो अब 15 सालों से नीतीश जी की सरकार है और विकास का दावा आपकी सरकार लगातार करती रही है, गुड गवर्नेंस का दावा करती रही है, इन तमाम मामलों के अलावा वह कौन से दो या तीन मुद्दे हैं जो आप इस बार चुनाव में जाकर के कहेंगे कि ये लो हम इस तरह से अलग हैं इसलिए हमको फिर से वोट चाहिए? नहीं, 2005 में हमने यह तय किया कि बिहार में कानून का राज होगा, लोग भय रहित रहेंगे, नरसंहार नहीं होगा बिहार में, दंगा नहीं होगा। एक नवादा में सामान्य सा कर्फ्यू की घटना हुई, इसके अलावा आप बताइए 15 साल में कहीं पर इस ढंग की घटनाएं अगर हुई तो सरकार ने तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित किया। तो हमारे कहने का मतलब है कानून का राज को हमने स्थापित कर दिया। वैसे तो फिर अगर इंडिविजुअल देखेंगे तो फिर एक साल पहले सीतामढ़ी में एक मॉब लिंचिंग हुई और जिंदा जला दिया गया, पुलिस ने कार्रवाई किया। देखिए अंतर क्या था, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, घटनाएं हो सकती हैं लेकिन घटनाओं पर कार्रवाई नहीं करना ये जघन्य अपराध होता है। तीसरा, जिस बिहार में झारखंड और बिहार जब सम्मिलित था तो बहुत लोग राज किए, कांग्रेस के लोग राज किए, ये लोग किए, घर घर बिजली नहीं पहुंचा पाए थे, ये तुलना देश के दूसरे राज्यों से भी तुलना करनी चाहिए कि बिहार ने इस लक्ष्य को पूरा कर लिया। बिहार ने जब रोड का कनेक्टिविटी हम देंगे, इलेक्ट्रिसिटी का देंगे और सोसाइटी का एम्पावरमेंट करेंगे, जो हम लोगों ने शराबबंदी के माध्यम से किया, बेटी के अभियान में किया, तो जो सोशल एम्पावरमेंट है बगैर समाज में तनाव फैलाएगा, और इससे बड़ा इरशादुल्ला साहब क्या पैमाना हो सकता है। देश के दूसरे राज्यों से आपने पूछा तो मैं एक ही उदाहरण देना चाहता हूँ कि बिहार तो देश का पहला राज्य है जहाँ कब्रिस्तान की भी घेराबंदी होती है, मंदिर की भी घेराबंदी होती है और चर्च की भी घेराबंदी होती है। अच्छा, तो फिर अब हम उसी सवाल पे आते हैं जिसका जिक्र हमने पहली बार किया था, इसके पहले किया था कि अचानक जब श्रमिकों को, जो आपकी सरकार का आंकड़ा है कि 25 से 30 लाख लोग बाहर से आए यहाँ, राष्ट्रीय जनता दल श्रमिकों की पीड़ा पे बात कर रही थी तो अचानक आपने जमीन हड़पने की बात कर दी, इसकी क्या मतलब है? नहीं, माइग्रेंट पर कौन सवाल उठाएगा जो खुद माइग्रेंट हो। मेरे पास वीडियो फुटेज है, तेजस्वी यादव को घोसबरी में उनके दल के कार्यकर्ता रामजतन यादव जी ने पूछा, कहा कि चलिए क्वारंटाइन सेंटर बगल में देखने के लिए, तो नहीं गए आप राघोपुर नहीं गए? भाई आप आलोचना किसी का करते हैं उस COVID-19 के दौर में तो आपको तो ये बताना पड़ेगा। और हम ये कहना चाहते हैं भाई, मुझे स्मरण नहीं है 75 या 76 जगह क्वारंटाइन सेंटर में सीधा मुख्यमंत्री जी ने संवाद किया, और जो वो मैं ये कह रहा हूँ बार बार इसीलिए कहता हूँ कि लोग कहता है कि आप पिछला याद दिलाते हैं, कल्पना करिए इरशादुल्ला साहब कि 2005 के पहले COVID-19 होता, बिजली नहीं रहती,
तो क्या लॉकडाउन सफल होता? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहता तो देश के रूल ऑफ लॉ नहीं होता, तो देश के दूसरे राज्यों से बिहार के लोग आते नहीं आते? और सरकार ने उनको आश्वस्त किया, और ये डाटा भी मेरा अपना है, हम लोगों ने जो डाटा को किया कि बिहार देश का पहला राज्य, दूसरे राज्यों ने हमसे मदद लिया उस ऐप में कि बनाने में, तो राज्य सरकार ने कहा कि भाई इसलिए ये बुनियादी सवाल है कि भाई दूसरे राज्य की इकोनॉमी में मेरा योगदान है, उनका बजट बूस्ट करता है, तो आप अगर माइग्रेंट का सवाल उठाते हैं तो राजनीति के सवाल पर, तो आप दिल्ली में क्यों नहीं बोले?